नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर जोशीमठ मां नंदा देवी द्योरा यात्रा का 8वां पड़ाव जेलम गांव में। बता दें कि मां नंदा देवी द्योरा यात्रा का 8वां पड़ाव जेलम गांव में। जी हां, आपने सही सुना, आज हम बात कर रहे हैं सीमांत घाटी के लता गाँव की, जिस गाँव में माँ नंदा देवी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। और आजकल माँ नंदा देवी विगत कुछ दिनों के लिए क्षेत्र भ्रमण पर निकली हुई हैं। लाता गांव के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा माँ नंदा द्योरा यात्रा निकाली गई है, जिस द्योरा यात्रा में माँ नंदा आजकल सभी सीमांत घाटी के दर्जनों गांव में जाकर सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। बताते चलें कि माँ नंदा द्योरा यात्रा का आज 8वां पड़ाव है और आज माँ नंदा झेलम गाँव में पहुँच चुकी है, जहाँ पर माँ नंदा एवं अनेक देवी देवताओं के मुखौटे का नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच झेलम गांव में 4000 से अधिक लोग देश और विदेश से पहुंचे हुए हैं। उपाध्यक्ष धीरेंद्र गरौड़िया की बात करें तो उनका कहना है कि 12 साल बाद माँ नंदा हमारे गांव में ध्यार के रूप में पहुंची हुई हैं। हमारे सभी ग्रामीणों ने ध्यार माँ नंदा को अपने मायके में दोस्त दमों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। और क्या कहा, आगे की रिपोर्ट देखिए नवीन सिंह के साथ। जी, यात्रा अभी कहाँ पर है और ये जो झेलम है ये यहाँ पर खास नृत्य होता है, उसके बारे में जरा बताएं। सर्वप्रथम ये जो यात्रा हमारी 6 सितंबर से प्रारंभ हुई और आज हम लोग 8वें पड़ाव जो है कि हमारा सीमांत भेली के अंतर्गत झेलम गांव में है। और झेलम जो गांव है, यहाँ पे जो मुखौटा नृत्य होते हैं एक रामायण के तर्ज पर होता है और ये विश्व विख्यात भी है। और माँ नंदा भगवती जो हमारी द्योरा यात्रा में चल रही है, ये 3 गांव में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें नारद मुनि से लेकर तमाम देवी देवताओं का आह्वान होता है और ये आह्वान जो है कि 3 गांव में होता है। हमारे जो पहला जो प्रथम पड़ाव जो हमारा जो यहाँ पे झेलम में हुआ, ये 8वां पड़ाव है। और इसके बाद जो कि हमारा ये कार्यक्रम मलारी में चलेगा, मलारी के बाद अंतिम गाँव जो नीति है हमारा सीमांत जो बॉर्डर इलाका गाँव है, अंतिम वहाँ पर होना है। और उसके बाद जहाँ मलारी से हम लोग जो पैदल जो यात्रा है माँ भगवती की, वो अंतिम जो गांव है हमारा लाता हम प्रस्थान करेंगे 31 तारीख तक। उसके बाद 1 तारीख को ब्रह्म भोज होगा और सभी जितने भी हमारे ध्यान हैं, हमारे जो हमारे पूरे समाज के लोग हैं, देश विदेशों से लोग यहाँ पे इस मेले का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं और बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। और पैदल जो हम पैदल यात्रा करते हैं उस पैदल हज़ारों लोगों की जनसंख्या भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो सर्वप्रथम हमारा जो सबसे पहले गणेश भगवान का आह्वान होता है, गणेश भगवान के बाद नारद मुनि जो ऋषि कौड़िया ब्रह्म ऋषि और तमाम देवी देवता हैं जो हमारे उत्तराखंड के जितने भी देवी देवता हैं। और उसके बाद जो खाना खाने के बाद जो हम लोग दूसरे चरण में जो राम लक्ष्मण जो भूमिका होती है, पूरे रामायण का पाठ पढ़ा जाता है। और शाम को तो रात्रि के बाद जो भोज के बाद हमारा क्या कार्यक्रम चलेगा, ये हमारे श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक पाठ है, जिसे हम कहते हैं कि रानी राधिका के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरे रात भर का एक कार्यक्रम चलता है, 2 दिनों का कार्यक्रम है और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे उमड़े हुए भीड़ हैं, हज़ारों में तादाद में लोग दिख रहे हैं। और ये एक माँ भगवती का आस्था का केंद्र भी कहूँगा और कहीं ना कहीं एक रामायण का ही मुख्य रूप है।